स्वागत है आपका एक और नेट एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है बेसिकली कि आप वन प्लस 8 प्रो में अपने, जी हाँ, जो आपने अभी न्यू लिया, उसमें जी कैम कैसे इंस्टॉल करें। अच्छा कैमरा, आई नो बहुत अच्छा कैमरा उसका, बट फिर भी जी कैम थोड़ा सा वो पंच दे देता है, एक्स्ट्रा, थोड़ी एक्स्ट्रा क्वालिटी इंप्रूव कर देता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे जी कैम इंस्टॉल करें ताकि आप इस पिक से इस पिक तक जा सके, तो बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक बने रहो, तो आपको एक सैंपल भी मिलेंगे साथ में। तो तब तक के लिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए जी कैम इंस्टॉल करते हैं। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे जो जी कैम है कैसे डाउनलोड करते हैं। तो ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी जो कुछ इस तरीके से खुलेगी यहाँ पे। और ये मैंने योरनेक्स का किया, यहाँ और भी काफ़ी हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट आपको अगर चूज़ करना है तो आप कोई भी कर सकते हैं। मेरे लिए पर्सनली ये था, तो योरनेक्स वाला मैंने फर्स्ट वाली लिंक जो है डाउनलोड किया है, इस पर क्लिक करेंगे अगर तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर दी है तो ये ऑलरेडी मतलब है मेरे पास, तो मैं नहीं करूँगा दोबारा डाउनलोड। और उसके बाद इसको बस इंस्टॉल कर देना है। तो मतलब यहाँ से आप सीधा इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कन्फिग्स भी जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब ये एक आपको कन्फिग का जो है ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना। कॉन्फ़िग पे आने के बाद आपको यहाँ पे OnePlus 8 Pro का ढूंढना है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा अभी OnePlus 8 Pro। इस पे जाके आप कोई भी एक कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट वाली की है, मेरे लिए वो काफ़ी अच्छी चल रही है। आप मे बी सेकेंड वाली भी कर सकते हैं, या अपने से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे दोनों चीज़ें, तो अब ये कॉन्फ़िग फाइल और जो कैमरा ऐप है दोनों डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले हमें जो है कॉन्फ़िग कैसे लगानी है वो सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको जब आप कैमरा ओपन करोगे आपको बस स्वाइप डाउन करना है और सेटिंग्स में जाना है। तो सेटिंग्स में जाके आप बिल्कुल एंड में जाएंगे, एंड में अगर आपको दिख रहा है ये कॉन्फ़िग्स का ऑप्शन है, यहाँ जाके आपको क्या करना है, सेव कर देना है और कुछ भी नाम देना है, टेस्ट। इससे क्या होगा, आपका एक बेसिक फोल्डर बन जाएगा। अगर आपके पास बेसिक फोल्डर ऑलरेडी है जी कैम वाला तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे सेव करेंगे, अभी वहाँ पे एक तरह से बन गया होगा फोल्डर। अभी आप जाएंगे फाइल मैनेजर पे और वहाँ पे आपको यहाँ डाउनलोड में, जैसे आपने यहाँ पे ये कॉन्फ़िग है इसको मैं उठाना चाहता हूँ, तो ये मैंने यहाँ से कट कर दिया। और अभी मैं जाऊँगा इंटरनल स्टोरेज पे और यहाँ पे मैं ढूँढूँगा जी कैम वाला फोल्डर, जहाँ पर भी आपके लिए कहीं और हो सकता है। मेरे को यहाँ पे ये रहा, मिल गया। और यहाँ आप देखेंगे कॉन्फ़िग 7 है, अगर आप जी कैम 6 बाय चांस कर लेते हैं तो उसमें कॉन्फ़िग आएगा सिंपल। तो यहाँ कॉन्फ़िग 7 है, बस यहाँ आके आपको पेस्ट कर देनी है। मेरी ऑलरेडी पेस्टेड है तो मैं पेस्ट नहीं करूँगा, बट आपको यहाँ आके पेस्ट कर देनी है और फिर वापस जाना है यहाँ कैमरा में। ये जो ये इन दोनों के बीच में जो जगह है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, ये जो आपको यहाँ बीच में जगह है यहाँ डबल क्लिक करना है और ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। आपको बस यहाँ पे चूज़ कर लेना है एक, मैं जो चूज़ करूँगा मैं ये वाली चूज़ करूँगा, यही मैंने डाउनलोड किया। आपने जो भी डाउनलोड किया आपको वो चूज़ करके रिस्टोर पे क्लिक करना है और ये एक तरह से पूरा यहाँ सेट हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ मल्टी कैम ऑप्शन भी आ गए हैं, तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये ऐसे मल्टी कैम में अल्ट्रा वाइड हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा और ये इवन जूम भी चला जाएगा। तो मतलब आपके ऑप्शंस काफ़ी आ गए हैं अभी यहाँ पे। बाकी अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, बट अगर आप ये कॉन्फ़िग यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी ही सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर आप चाहें तो जो भी अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं। मैं एक कॉन्फ़िग अपनी तरफ से भी रखूँगा, अगर आपको वो चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इतना ही था कैसे ये इंस्टॉल करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़े कैमरा सैंपल की तरफ। तो डेलाइट पिक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो ओवरऑल पिक्चर है वो यहाँ पे काफ़ी नेचुरल है जी कैम पे, और सेम चीज़ आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में भी देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है जी कैम पे, जबकि जो वन प्लस है उस टाइम पे स्टॉक कैमरा में करेक्शन की है। जूम में तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं कि वन प्लस ज़्यादा ही ब्राइट कर दी, जबकि जी कैम ने काफ़ी अच्छा कलर मेंटेन किया और यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो एक्सपोजर वो भी मेंटेन की है। और इस पिक में अगेन आप देख सकते हैं जो नेचुरल कलर है थोड़ी जी कैम से आ रहे हैं, बट यहाँ मैं दोनों को कंपेरेटिवली बोलूँगा। सेम केस अल्ट्रा वाइड में भी अगेन थोड़ी डिस्टॉर्शन है, बट क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। और जूम में पता नहीं ये मेरे यूनिट में प्रॉब्लम है, ये सबके यूनिट में प्रॉब्लम है। अगर आपके यूनिट में प्रॉब्लम है तो बताना मुझे ज़रा, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये जूम में इतना एक्सपोजर हाई क्यों हो जाता है, जबकि यहाँ पे जो जी कैमरा उसने काफ़ी अच्छा यहाँ मेंटेन किया है। और ये पिक्चर जो है अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइल्ड लैंडस्केप देख रहा था, दोनों काफ़ी अच्छे हैं, दोनों अपनी तरफ में अच्छे हैं, डायनेमिक रेंज, कलर, सारा कुछ अच्छा है, कुछ खास डिफरेंशिएटिंग नहीं है। थोड़ा सा मैं कहूँगा तो जी कैम ने थोड़ा नेचुरल रखा है पिक को, जबकि वन प्लस थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा है, ज़्यादा नहीं, बट अगेन जूम पिक में आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और ये
10x zoom versus 30x zoom था, और 30x zoom obviously OnePlus का स्टॉक कैमरा ज़्यादा अच्छा करेगा, तो GCam से zoom की उम्मीद मत कीजिए। ये डायनामिक रेंज टेस्ट कर रहा था, यहाँ मैं डेफिनेटली कहूँगा OnePlus ने काफ़ी अच्छा काम किया, बट अल्ट्रा वाइड में दोनों ऑलमोस्ट कंपेरेटिव थे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर जूम करेंगे तो अगेन सेम चीज़ आपको एक्सपोजर से जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी। और ह्यूमन सब्जेक्ट पे चलते हैं तो ये आपको कुछ शॉट देखने को मिलेगा, मैंने अपने फेस पे टाइप किया तो थोड़ा सा अच्छा हो गया, बट ओवरऑल आपको कुछ खास यहाँ पे इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा OnePlus की तरफ से। बट GCam काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, पोर्ट्रेट मोड में भी कुछ अजीब सा ही OnePlus हेलो इफेक्ट दे रहा है, जबकि GCam काफ़ी नेचुरल रख रहा है। और OnePlus में आप दूसरा थोड़ा मतलब जूम्ड इन पोर्ट्रेट भी ले सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मुझे डेफिनेटली GCam ज़्यादा पसंद आया। सेल्फी के मामले में देखूं मैं अगर यहाँ पे, तो OnePlus ने थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा कर दिया, आई डोंट नो सूरज नहीं कैप्चर कर पाया उसको अच्छी तरह से, HDR हाई नहीं था या जो भी था, बट अगर मैं फेस पे टैप करूंगा GCam पे तो आपको कुछ इस तरीके से अच्छी पिक देखने को मिलेगी। और अगेन पोर्ट्रेट मोड में भी सेम आपको कहानी देखने को मिल जाती है। ये थोड़े इंडोर शॉट थे यहाँ पे, आपको ये काफ़ी अच्छा OnePlus का देखने को मिल रहा है, पर GCam थोड़ा नेचुरल है। अल्ट्रा वाइड में भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी, और जब जूम करेंगे तो अगेन आपको थोड़ा ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। नोट करना कि GCam का जूम जो है वो 2.2 जो प्रॉपर जूम है लेंस का वही है, जबकि जो OnePlus का वो 3x zoom है जो वो क्रॉप करके लेते हैं। और ये आर्टिफिशियल लाइटिंग थी सेम जगह पे, बट आपको यहाँ पे जो है अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल पिक में काफ़ी अच्छा डिफरेंस दिख रहा है, बट GCam थोड़ा सा नेचुरल है। मुझे दोनों इमेजेस पसंद आई, बट अगर मैं प्रेफर करूँगा तो GCam प्रेफर करूँगा। सेम चीज़ यहाँ जूम के साथ, अगेन ओवर एक्सपोज हुआ OnePlus। और जब नाइट मोड में आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज होने शुरू हो जाता है। अभी दोनों पिक्चर्स अपने आप में अच्छे हैं, बट मैं थोड़ा यहाँ पे GCam को प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो ओवरऑल उसकी जो क्वालिटी काफ़ी हाई है। अल्ट्रा वाइड में भी इवन जो है OnePlus थोड़ा सा हिल गया, जबकि GCam ने काफ़ी अच्छा यहाँ मेंटेन करके रखा हुआ है, बट अगेन आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि यहाँ दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया, बट GCam थोड़ा सा ग्रीनिश या ब्लूइश सा आ गया, जबकि OnePlus ने कलर अच्छे मेंटेन किए हैं। और अल्ट्रा वाइड में अगेन आपको यहाँ पे थोड़े अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, मैं यहाँ पे डेफिनेटली GCam के साथ जाऊँगा। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि GCam ने ज़्यादा डायनेमिक रेंज, ज़्यादा ओवरऑल ब्राइटनेस बचा के रखी है, तो यहाँ इस केस में मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा है यहाँ पे GCam। OnePlus थोड़ा सा डार्क हो चुका है, और यहाँ पे मैं देखूँगा तो जो GCam है वो अच्छा है, बट OnePlus ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेचुरल पिक जो है ज़्यादा OnePlus की दिख रही है, ओवरऑल कलर्स जो है OnePlus के ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अल्ट्रा वाइड में डेफिनेटली मैं GCam की तरफ जान जाऊँगा, थोड़ा डार्क है बट कुछ अच्छा भी दिख रहा है। OnePlus थोड़ा सा म्यूटेड से कलर दिख रहे हैं, मैं काफ़ी लोगों को देख सकता हूं जो यहां पे OnePlus का अल्ट्रा वाइड प्रेफर करेंगे। इस केस में अगेन दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट यहाँ पे मैं इतना कह सकता हूँ कि OnePlus ने थोड़ा सा बेटर किया है, बट काफ़ी लोग मुझे लग रहा है कि GCam को भी प्रेफर करेंगे। आप कौन सा प्रेफर कर रहे हैं नीचे बताओ कमेंट्स में जाके। और अल्ट्रा वाइड में अगेन काफ़ी अच्छे पिक्स है दोनों, यहाँ पे मैं थोड़ा GCam की तरफ जाना चाहूँगा। मुझे इन शॉर्ट ये जो थोड़ा मतलब ब्राइटनेस है इमेज की वो ज़्यादा पसंद आई, जो OnePlus में उतनी नहीं है। OnePlus थोड़े से म्यूट हो गए हैं कलर, और इमेज सॉफ्ट ज़्यादा है। और सेल्फी में देखेंगे तो ये बिल्कुल लो लाइट में ली थी, और यहाँ डेफिनेटली GCam ने बहुत अच्छा काम किया। अगेन जो थोड़ी आर्टिफिशियल लाइटिंग थी वहाँ पर भी GCam ने बहुत अच्छा काम किया, और जो पोर्ट्रेट मोड है वहाँ पे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सही काम किया। रही बात एस्ट्रो फोटोग्राफी की, तो मानसून चल रहा है तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाया, बट ये आपको कुछ दिख रही है मेरे सामने, ट्राई किया मैंने बट नहीं हो पाया क्योंकि बादल बहुत है, बट काफ़ी अच्छी इमेज निकल गई फिर भी। तो अगर आपके वहाँ पे ज़्यादा बादल नहीं है तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी को मोड ऑफ ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं, और ज़्यादा 3-4 मिनट का टाइम लेता है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक चीज़ और, ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि GCam ने काफ़ी अच्छा काम किया। GCam जो है यहाँ पे टॉप में आ रहा है, जो अगर हम देखेंगे कि पिक्चर्स टॉप वर्सेस GCam, तो अगर आप इंस्टॉल करेंगे GCam तो आपका काफ़ी अच्छा इफेक्ट यहाँ पे मिल सकता है आपको इमेजेस में, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी केसेस में, सारे नहीं मैं कहूँगा, काफ़ी केसेस में काफ़ी मतलब पसंद आया मुझे कंपेयर टू स्टॉक कैमरा। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको पता चल गया होगा GCam कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उनकी ओवरऑल पूरी पिक्चर क्वालिटी कंपेयर टू स्टॉक कैमरा रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी है OnePlus 8 Pro लेना चाहते हैं और या ले चुके हैं। और फाइनली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसा ऑसम कंटेंट और भी काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट, जैसे कि दो वीडियोज़ आपको सामने जो दिख रही हैं, आपको मिलता रहे। और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।